रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश के विदिशा में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे देश के साथ विदिशा में ट्रक संचालकों ने भी हड़ताल कर दी है। वही हड़ताल की मुख्य वजह ईंधन के और मुख्य रूप से डीजल के बढ़ते दाम बताए जा रहे हैं। ट्रक चालकों और संचालकों ने रैली निकालकर कलेक्टर में डिप्टी कलेक्टर कुमार सानू देवड़िया को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि डीजल के दाम कम किए जाएं और डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में शामिल किया जाए। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान भी ट्रक चल रहे थे, लेकिन उस समय डीजल के दाम कम थे। अब डीजल के दाम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ऐसे में ट्रक का खर्चा चालक और क्लीनर की वेतन भी देना मुश्किल हो रहा है। अपनी जेब से डीजल का खर्च वहन कर रही है। संचालकों ने और एसोसिएशन के सदस्यों ने डीजल पेट्रोल और जीएसटी के दायरे में लाने की भी मांग की है। वहीं दूसरी ओर सभी ट्रक संचालकों ने हड़ताल करते हुए अपने वाहनों पर काले झंडे लगाए और विरोध प्रदर्शन किया है। विदिशा से भैयालाल धाकड़ की रिपोर्ट। जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमारा निवेदन है कि हमारी माओ के ऊपर भिजवाया जाए, ऊपर पहुँचा जाए, संदेश के ऊपर भिजवाया जाए। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है, क्या मामला है, क्या मामला है? इन्होंने ये बढ़ते डीजल प्राइस को लेकर ज्ञापन दिया हुआ है। कुछ तरीके का ये रिलीफ चाह रहे हैं, पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन दिया हुआ है। आज जो काला दिवस मनाया जा रहा है ट्रक वालों की तरफ से, क्या बात है? डीजल का रेट इतना बढ़ चुका कि हमारी समर्थन नहीं कि हम गाड़ी चला सकें, और ना हम मतलब ड्राइवर हैं जो कनेक्टर हैं उनको तनख्वाह नहीं दे सकते। उनको हमने घर भेज दिया और गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, कम से कम 15-15 दिन से गाड़ियाँ खड़ी हैं, और कोरोना काल में भी गाड़ियाँ चलती रही हैं, लेकिन इतने रेट कम हैं कि डीजल जेब से डाल के माल पूरा करना पड़ रहा है कि आदमी का उसको पहुँचा जाए। इसलिए ये काला दिवस मना रहे हैं कि सरकार हमारी तरफ ध्यान दे और डीजल का रेट कम करे और जहाँ जी उसको जीएसटी मिला। आज किस संदर्भ में? आज 28 जून को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के आह्वान पे पूरे हिंदुस्तान में ब्लैक डे काला दिवस रखा गया है। सरकार को जगाने के लिए सरकार इस कोरोना काल में विषम परिस्थितियों ने जिन गाड़ी वालों ने काम किया, सब लोग घरों में बैठे रहे, गाड़ी वाले अपना सबकी सेवा करते रहे, पूरे देश में माल इधर से उधर ढोते रहे अपनी जान की परवाह किए बगैर, वो व्यापार आज इस स्थिति में है कि गाड़ी वाला कहीं का नहीं बचा, उसको अपनी जेब से पैसा लगा के भी नुकसान हो रहा है। उसको डीजल 98 रुपये हो गया है, गाड़ी वाला किस्त अपनी चुका नहीं पा रहा। हमारी मांगें ये हैं कि डीजल के दाम कम किए जाएं, जीएसटी में लाया जाए, डीजल को जीएसटी में लाया जाए, एवं जो गाड़ियों जिनकी किस्तें हैं गाड़ियों की, जिन्होंने गाड़ी लोन पे ले रखी हैं, जिन गाड़ियों की किस्तें हैं, उन गाड़ियों का मोनिटोरियम पीरियड और बढ़ाया जाए, 6 महीना 1 साल कम से कम बढ़ाया जाए, जिससे कि गाड़ी वाला पे ये जिंदा रह सके, उस पर भार ना पड़े। इसके अलावा ई वे बिल में सुधार किया जाए, ई वे बिल में त्रुटि है। ई वे बिल 100 किलोमीटर पे कम से कम 1 दिन का समय दिया जाना चाहिए, एवं और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे ये मोटर जगत जूझ रहा है, परेशान हो रहा है। इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए इसकी तरफ, क्योंकि परिवहन जो है पूरे देश की रीढ़ है। परिवहन अगर 24 घंटे के लिए भी बंद हो जाए तो पूरे देश में अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।